हेलो दोस्तों, दुनिया में विशाल मूर्तियों का नाम आता है तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी उनमें से एक है। वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा है। लेकिन इन सबसे अलग स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इतिहास काफी अनोखा है। पूरे दुनिया में इससे भी ऊंची ऊंची मूर्तियां हैं, लेकिन जो लोगों को अपनी ओर खींचता है वह है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के दौरान स्टैचू ऑफ लिबर्टी से जुड़े कुछ चौंका देने वाले अमेजिंग फैक्ट से रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिसे शायद ही आप जानते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के करते हैं शुरू। नंबर 10, और क्या आपको पता है कि फ्रांस के लोगों के द्वारा अमरीकियों को उपहार स्वरूप दिए गए तांबे के इस स्टैचू का डिजाइन फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त ने तैयार किया था, जबकि इसका निर्माण गुस्तव आइफिल ने किया था। नंबर 9, और क्या आपको पता है कि 1986 में मरम्मत के दौरान नई मशाल को 24 कैरेट सोने की पतली चादर से सावधानी पूर्वक घेरा गया था। नंबर 8, और क्या आपको पता है कि यदि कोई व्यक्ति मूर्ति के नीचे से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सिर तक जाना चाहता है तो उसे 354 कदम चलना पड़ेगा। मूर्ति के भीतर से उसके सिर तक पहुँचने का रास्ता भी बनाया गया है। नंबर 7, और क्या आपको पता है कि इस स्टैचू को फ्रांस में जुलाई 1884 में तैयार कर लिया गया था और फ्रांसीसी युद्धपोत आइसर द्वारा 17 जून 1885 को न्यूयॉर्क बंदरगाह पर लाया गया था। नंबर 6, और क्या आपको पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कितना फेमस है? आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान, मलेशिया, ताइवान, ब्राजील और चीन में भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डुप्लीकेट बनाया गया है। 5, और क्या आपको पता है कि 1886 में आधार समेत स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनने का खर्च $5 लाख आया था, आज के $1 करोड़ यानी कि 70 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। नंबर 4, और क्या आपको पता है कि तेज हवा के कारण मूर्ति 3 इंच तक और उसकी मशाल 5 इंच तक हिलने लगती है। नंबर 3, और क्या आपको पता है कि प्रतिमा का कुल वजन 225 टन है यानी कि 2,25,000 किलोग्राम और प्रतिमा के ताज से जो 7 किले निकली हुई है वो संसार के 7ों महाद्वीपों को दर्शाती है। नंबर 2, और क्या आपको पता है कि प्रतिमा के बाएं हाथ में एक किताब है जिस पर अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 की तारीख रोमन में लिखी हुई है। नंबर 1, और क्या आपको पता है कि जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी तब यह लोहे की सबसे ऊंची संरचना थी पूरे दुनिया में। तो हाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।